हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। मैं प्रमोद, यहाँ पर आज हम जो डिस्कशन करने वाला है बायबैक सेक्शन 68 का, कंपनी को सेक्शन 68 में कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक किस तरह से कर सकती है, बायबैक के मेथड्स क्या होते हैं, बायबैक के लिए कंपनी फंडिंग कहाँ से लाती है, और उसके साथ साथ किस एरिया को कंपनीज एक्ट में रिस्ट्रिक्टेड किया है, प्रोहिबिट किया है, अगर बायबैक के आपने कंप्लायंस नहीं किए तो उसकी पेनल्टीज क्या है, इसका हम इन डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले। बेसिकली अगर मैं बात करूँ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव क्या होता है बायबैक के पीछे, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी एक बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव देती है कि हमें ईपीएस इंक्रीज करना है भैया शेयर होल्डर का। अगर आपने ये ऑब्जेक्टिव देखा कंपनी का कि हमें ईपीएस इंक्रीज करना है, तो कोई भी कंपनी को बायबैक करने से रोक नहीं सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी शेयर होल्डर के भलाई के लिए सोच रही है, ऐसा सबको लगता है। ओवरऑल ऐसा ही एक फीडबैक सब देते कि यार कंपनी अच्छा यहाँ पर कर रही है, कुछ ना कुछ तो कंपनी ने इंसेंटिव अच्छा लिया है कि कंपनी बायबैक क्या कर रही है, ईपीएस अर्निंग पर शेयर्स को इंक्रीज करने के लिए। मगर अल्टीमेटली इसके पीछे छुपा होता है एक मेन ऑब्जेक्टिव, मेजरली कंपनी बायबैक करती है प्रमोटर के शेयर होल्डर को इंक्रीज करने, जो भी प्रमोटर होते हैं कंपनी के उनकी शेयर होल्डिंग कंपनीज में इंक्रीज करने के लिए क्या किया जाता है, बायबैक का ऑप्शन रखा। अगर कंपनीज के प्रमोटर की शेयर होल्डिंग इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली ईपीएस का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्रमोटर को मिलता है, तो और प्रमोटर अल्टीमेटली क्या करते हैं, पूरे कंपनी को कंट्रोल करते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रमोटर क्या करते हैं, सब डायरेक्टर वर्क करते हैं, भले ही शेयर होल्डर हो मगर अल्टीमेटली कंपनी में किसकी चलती है, प्रमोटर की ही चलती है, ये आपने समझना है यहाँ पर। तो हम देखते हैं एक बार एक सेक्शन और एक एक डिस्कशन कर लेते हैं इसमें क्या क्या है। देखो कंपनी अगर बायबैक करना चाहती है तो बायबैक सेक्शन 68 से कर सकती है, और सेक्शन 68 बोलता है कि परमिशेबल सिक्योरिटीज फॉर बायबैक इश्यूज बायबैक जो सेक्शन 68 है उसमें आप कर सकते हैं। तो कंपनीज एक्ट बोलता है कि आप खुद के शेयर्स ओन शेयर्स को बायबैक कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग स्टॉक ऑप्शंस और अदर सिक्योरिटीज एज मे बी नोटिफाइड, यानी कि सिक्योरिटीज रेगुलेशन एक्ट 1956 है उसके अकॉर्डिंगली जो भी डॉक्यूमेंट एज अ सिक्योरिटीज इश्यू किया है उसको भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर बायबैक कर सकते हो, और स्टॉक ऑप्शन को भी आप बायबैक कर सकते हो। ये आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं कि मेथड ऑफ बायबैक क्या होती है। देखो मेथड ऑफ बायबैक समझना इन सिंपल, अगर आपको शेयर्स बायबैक करनी है तो आपको एक तो ऑफर देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो लालच देना पड़ेगा कि हम प्रीमियम देंगे, हम ये करेंगे आपको, हम वो करेंगे, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो आपको वहां पर आप बायबैक शेयर्स करने वाले एज ए शेयर होल्डर, आपको कोई ना आपको बायबैक करना है तो आपको आप करोगे क्या 100 रुपए का शेयर 90 में बायबैक, कोई पागल है क्या 100 रुपए का शेयर 90 में। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको क्या किया जाता है, यहाँ पर आपको 100 का यानी कि इंक्रीज किया जाता है प्रीमियम की तरह 20 रुपीज। अब शेयर होल्डर कॉमनली क्या सोचता है, यार 20 रुपीज हमें डिविडेंड नहीं मिला आज तक, तो कर देते हैं बायबैक इस शेयर को। तो इसलिए आपको कुछ मेथड्स दिए जाते हैं कि कंपनी किस तरह से बायबैक कर सकती है। देखो एग्जिस्टिंग शेयर्स क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर जो भी होते हैं उनको क्या किया जाता है, सिक्योरिटीज होल्डर ऑफ कंपनी ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस, यानी कि आपके पास अगर 10 शेयर्स है तो आपको ऑफर दिया जाता है कि आप 2 बायबैक करो, प्रोपोर्शन दिया जाता है कि 10:2, 2:8 ऐसे प्रोपोर्शन दिया जाता है, कंपनी वो डिसाइड करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करता है कि कितने प्रोपोर्शन तक हम बायबैक कर सकते हैं और कितना ईपीएस, वहाँ पर आप एफएम अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो कितना ईपीएस वहाँ पर आपका बढ़ सकता है, कितना डिविडेंड रेशियो आपका इंक्रीज हो सकता है, ये वहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ साथ ओपन मार्केट प्राइस, कंपनी क्या करती है ऑफर नहीं देती है, यहाँ पर बोलती है जिनको दिल से लगता है कि बायबैक करो, जिनको लगता है कि यार हम बायबैक करना चाहते हैं, हमें फंडिंग चाहिए, तो ओपन ऑफर देती है सबको, और वो ओपन ऑफर में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है जो कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। यहाँ पर क्लियर हो गया। अब ये जो है ये थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पर दिया है आपको कि बाय परचेसिंग द सिक्योरिटीज इश्यू टू एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनीज, यानी कि जो भी आपके एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन है, स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किए आपने वहाँ पर, तो उन सब के लिए भी ये दोनों में से कोई भी ऑफर दिया जा सकता है, और दोनों में से ऑफर में कोई भी ऑफर में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनकी शेयर होल्डिंग कंपनी को क्या कर सकते हैं, बायबैक कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार कंपनी ये बायबैक करके क्या करेंगे, जो भी कंपनी बायबैक करेंगे ये शेयर को तो इसका क्या करेंगे। देखो कंपनी जब बायबैक करती है, सपोज ये 1000 शेयर्स हैं, शेयर कैपिटल 1000 है, कंपनी ने डिसाइड किया कि 10% बायबैक करना है, 1000 बायबैक करना है, तो अल्टीमेटली जो बैलेंस शीट बनेगी वो 900 की बनेगी यहाँ पर इस तरह से। अब
900 की बैलेंसिंग बनेगी। यहाँ पर कंपनी क्या करेंगी, रिजर्व एंड सरप्लस जो फंड है, अगर यहाँ पर 200 है मानो, तो यहाँ से आप क्या करोगे 100 कम करोगे, यहाँ पर फिर से 100 आपका कम हो जाएगा। और इधर जो कैश है आपके, जो भी कैश है आपके पास अवेलेबल, सपोज आपके पास कैश अवेलेबल 2000, ओके, तो 2000 में से आप कितना बायबैक कर रहे हो 100 का, तो अल्टीमेटली कैश भी आपकी क्या कम हो जाएंगी, यहाँ पर कम हो जाएंगी, इसकी भी आपको एक एंट्री करनी पड़ेगी। अब ये तो हो गया कंपनी के बेनिफिट, अगर हम बात करें एक्चुअली कैलकुलेशन मैच हो रहा है क्या, ये नहीं हो रहा है, और इसका इफेक्ट क्या होने वाला है, सीधी सीधी कंपनी के बैलेंस शीट पर होने वाला है। इस तरह से कंपनी के बैलेंस शीट पर होने हो रहा है, इसलिए कंपनीज एक्ट बोलता है कि यार जो भी सिक्योरिटीज रिडेम्पशन रिजर्व है वो क्रिएट करो, एक फंड क्रिएट करो, और उसमें आप क्या करो, ये जो प्रोविजन है, ये 100 रुपीज जो भी मिसमैच हो रहा है वो डाल दो, ताकि आपके शेयर होल्डर जो है उसके साथ साथ आपके क्रेडिटर भी नाराज ना हो। क्रेडिटर क्यों नाराज होते हैं भैया, आप बायबैक कर रहे हो तो आप शेयर होल्डर को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हो, हम भी अकॉर्डिंग टू वाइंडिंग अप हमें फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जा सकता है, दिया जाना चाहिए, वो नाराज ना हो इसलिए आप क्या करते हो, उनके सेटिस्फेक्शन के लिए फंड क्रिएट करके वहाँ पर अमाउंट डाल देते हो, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे कि यार सोर्सेस क्या होते हैं बायबैक के और कंडीशन क्या होती है। देखो बायबैक जो करना है आपको कर सकते हो, मगर उसके लिए कुछ कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी जो कंपनीज एक्ट ने दी है, सेक्शन 68 ने दी है। तो वो कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिक्योरिटी जो भी बायबैक कर रहे हो वो बायबैक फुल्ली पेड अप शेयर्स होगी, आप जो भी बायबैक कर रहे हो वो फुल्ली पेड अप, अगर आपकी किसी की सिक्योरिटीज अनपेड है, अनकॉल है, तो उसको बायबैक नहीं कर सकते हो, वो सिक्योरिटीज आप फुल्ली बायबैक जो भी पेड अप है उसको बायबैक कर सकते हो। उसके साथ साथ बायबैक मस्ट ऑथराइज बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आर्टिकल की परमिशन लिए बिना आप क्या कर सकते हो बायबैक कर सकते हो, ऑथराइज बाय आर्टिकल, आर्टिकल में सब जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं, इंटरनल मैटर्स होते हैं, वो सब वहाँ पर कंपनी के मेंशन होते हैं, इसलिए आपको आर्टिकल्स के अकॉर्डिंगली जो रूल्स है आर्टिकल में दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली ही बायबैक करना होता है। देन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो दो गैप बिटवीन देयर मस्ट बी अ गैप ऑफ लास्ट 1 ईयर्स बिटवीन टू बायबैक्स, यानी कि आपने अगर बायबैक करना है तो आपको दो मिनिमम 1 ईयर का, एटलीस्ट 1 ईयर का गैप रखना होगा ड्यूरिंग द बायबैक, तब जाकर आप बायबैक कर सकते हो। उसके बाद चौथी जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बायबैक मस्ट बी ऑथोराइज बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, आप अगर बायबैक कर रहे हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन भी यहां पर लगने वाला है, अकॉर्डिंग टू स्पेशल रेजोल्यूशन आप बायबैक कर सकते हो। बट एक कंडीशन है जहां पर स्पेशल रेजोल्यूशन आपको नहीं लगने वाली है, अगर आप बायबैक लेस देन 10% ऑफ पेडअप इक्विटी शेयर कैपिटल करना चाहते हो, यहाँ पर देखो पेडअप इक्विटी शेयर्स कैपिटल करना चाहते हो एंड फ्री रिजर्व करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो, यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये वर्ड ध्यान में रखना, ये मैं हाईलाइट करो यहाँ पर लिख के देता हूँ, 10% ऑफ पेडअप इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पर आपने प्रेफरेंस को ऐड नहीं करना है, जब भी कैलकुलेशन करोगे आपको इक्विटी पर ही ध्यान देना है, नहीं तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं प्रेफरेंस है इक्विटी है बैलेंस शीट में तो आप इमीडिएटली क्या करते हो उसको ऐड करते हो, आपको यहाँ पर जब भी कैलकुलेशन करोगे तो आपको यहाँ पर यह ध्यान में रखना है कि जो भी आप अमाउंट दोगे वो इक्विटी का होना चाहिए, प्लस कैपिटल कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, जो भी आपका फ्री रिजर्व आपके पास अवेलेबल है उसको भी इसमें ऐड करना है, एंड द कंपनी बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन, ये दोनों आप 10% के लिए ले सकते हो, जब भी आप बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना चाहते हो बायबैक के लिए लेस देन 10% तो आप ये कैलकुलेशन के लिए ले सकते हो। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर अमाउंट CRR का भी ऐड करते हैं, अमाउंट जो भी आपको अमाउंट दिखा वो सब ऐड करते हैं अदर देन क्रेडिटर्स, तो ऐसा नहीं करना है, आपने जो भी पेड अप इक्विटी कैपिटल है प्लस फ्री रिजर्व है उसको ही ऐड करना है, तब जाकर आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा सही आएगा, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। और यहाँ पर अगर आप बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन अगर लेस देन 10% बायबैक करना चाहते हो तो आपको बोर्ड रेजोल्यूशन ही इनफ है, आप बोर्ड रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंगली बायबैक कर सकते हो, वहाँ पर कोई भी अफेक्ट ऑफ रेवेन्यू या अफेक्ट ऑफ शेयर होल्डर वहाँ पर नहीं माना जाता है। नेक्स्ट, अब मैक्सिमम अगर आपको बायबैक करना है तो मैक्सिमम 25% और 25% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द पेड अप कैपिटल, यानी कि जो भी आपका पेड अप कैपिटल है उसका एग्रीगेट निकालना होगा आपको, और उसका 25% आपको क्या करना पड़ेगा बायबैक करना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, प्रेफरेंस को इग्नोर करना है, एग्रीगेट देखो पहले आपके पेड अप कैपिटल का कितना है,
पेड अप कैपिटल का एग्रीगेट देखो और उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, उसको बायबैक कर सकते हो। उसके साथ साथ प्री रिजर्वस आपको ऐड करना है ऑफ द कंपनी, और यहाँ पर प्री रिजर्व जैसे वहां पर 10% ऑफ पेड अप कैपिटल है, जब हम बोर्ड रेजोल्यूशन की बात कर रहे थे 10% ऑफ पेड अप कैपिटल है, मगर यहाँ पर क्या है एग्रीगेट पेड अप कैपिटल, आपका एग्रीगेट पेड अप कैपिटल एग्रीगेट जितना भी है आपका अमाउंट उसका 25% आपको लेना होगा, तब जाकर आप बायबैक कर सकते हो, कैलकुलेशन सही आएगा। फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स इन एनी फाइनेंशियल ईयर 25% ऑफ 25% शॉल बी कंस्ट्रक्टेड विद द रिगार्ड्स टू द पेड अप इक्विटी कैपिटल इन दैट फाइनेंशियल ईयर। अगर आप बायबैक कर रहे हो इन फाइनेंशियल ईयर में, ये लाइफ टाइम के लिए बायबैक है, आप अगर लाइफ टाइम में बायबैक करना चाहते हो कंपनी का, तो ये लाइफ टाइम में 25% ऑफ एग्रीगेट प्लस फ्री रिजर्व आप बायबैक कर सकते हो, ये ध्यान में रखना। अगर आपको कोई पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में बायबैक करना है, यानी कि कोई पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में बायबैक करना है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको बायबैक जो करना है ये आपको फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर में 25% ही बायबैक करना होगा, तब जाकर आपका ये बायबैक सही तरीके से कंसीडर किया जाएगा। स्टूडेंट क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एग्रीगेट पेड अप कैपिटल ऐसा लिखते हैं 25%, मगर ये एग्रीगेट लिख देते हैं, ये लाइफ टाइम के लिए यार, ये आपके लाइफ टाइम के लिए आप ये समझो। और ये जो 25% ऑफ पेड अप कैपिटल है ये वन फाइनेंशियल ईयर के है, ये फाइनेंशियल ईयर के लिए, यहाँ पर आपको रिजर्व ऐड करने की जरूरत नहीं, बस पेड अप कैपिटल जो इक्विटी पेड अप कैपिटल है वो देखो और उसके ही आप क्या कर सकते हो बायबैक कर सकते हो, ये क्लियर रखना। यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए दिया गया एग्रीगेट पेड अप कैपिटल, और यहाँ पर जितना भी पेड अप कैपिटल है उसका एग्रीगेट निकालो और वहां पर आप क्या कर सकते हो बायबैक कर सकते हो, मगर यहाँ पर जो सेकंड कंडीशन है यहाँ पर आपको बस पेड अप कैपिटल ही देखना है इन फाइनेंशियल ईयर में, और मिनिमम कितना कर सकते हो, मिनिमम 10% पेड अप प्लस क्या रिजर्व एंड सरप्लस, सही बताया। चलो नेक्स्ट, अब कुछ रिस्ट्रिक्शन है आपके बायबैक के, सेक्शन 17 आपने अभी तक पढ़ा नहीं होगा तो आपको ये भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर सब पॉइंट क्लियर कर दिए। तो बायबैक नॉट परमिटेड, यानी कि आपका बायबैक कब परमिटेड नहीं किया जाता है, बायबैक को कब प्रोहिबिट किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, थ्रू एनी सब्सिडी कंपनी, आप किसी सब्सिडी के थ्रू बायबैक कर रहे हो तो उस सिचुएशन में आपको बोलती है कंपनी आर ओ सी नहीं यार आप कर नहीं सकते हो, आपको यहाँ पर बायबैक करने का कोई भी राइट नहीं है। उसके साथ साथ आप इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट ग्रुप कंपनीज के थ्रू बायबैक करना चाहते हो तो वो भी नहीं करना, वो भी आप कर नहीं सकते, वहाँ पर भी आपको कोई भी चांस नहीं दिया जाता है। और यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट ये बात रखना, आपने डिफॉल्ट किया ये 3 D's में, 3 D's यानी कि क्या होता है डिविडेंड, उसके साथ साथ डिपॉजिट, और उसके साथ साथ आपने क्या किया डिबेंचर के पेमेंट में या रिडेम्पशन में डिविडेंड में आपने डिफॉल्ट किया तो उस सिचुएशन में आप बायबैक नहीं कर सकते। उसके साथ साथ प्रेफरेंस शेयर्स के पेमेंट्स में भी आपने कोई डिफॉल्ट कर दिया तो भी, रिडेम्पशन में डिफॉल्ट कर दिया तो भी आप क्या कर सकते हो बायबैक नहीं कर सकते हो। उसके साथ साथ आपने कोई इंटरेस्ट पेड नहीं किया तो भी आप बायबैक नहीं कर सकते हो, ये आपने ध्यान में रखना है। अनलेस अब ये डिफॉल्ट जो है ये डिफॉल्ट बहुत मैटर करता है, रिमिटेड एंड 3 years हैज लैप्स आफ्टर डिफॉल्ट सीज टू सब्जेक्ट, आप 3 years के बाद ही ये क्या कर सकते हो बायबैक कर सकते हो, उसके पहले आप बायबैक नहीं कर सकते हो। अगर आपने ये डिफॉल्ट किया तो आपको 3 years तक कोई भी बायबैक का चांस नहीं है, आप बायबैक करने का सोचो ही मत, आपको बायबैक करने का चांस ही नहीं वहां पर। उसके साथ साथ कुछ प्रोविजन है इसमें रिस्ट्रिक्टेड किया है, अगर आपने कंप्लायंस नहीं की सेक्शन 92 आप बच्चों को याद होगा एनुअल रिटर्न 92 में जाता है हमारा, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया डिफॉल्ट किया तो उस सिचुएशन में बायबैक नहीं कर सकते। अपने डिविडेंड डिक्लेरेशन करते हैं सेक्शन 123 में तो वहां पर आपने डिविडेंड डिक्लेरेशन कर दिया और उस सिचुएशन में भी आपने कोई डिफॉल्ट कर दिया तो वहां पर भी आप बायबैक नहीं कर सकते। डिविडेंड का डिक्लेयर तो कर दिया भैया बट पेमेंट नहीं किया तो भी आप बायबैक नहीं कर सकते। सेक्शन 129 यहाँ पर हमने देखा कि 129 में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं की तो भी आप क्या कर सकते हो बायबैक नहीं कर सकते हो, ये आपने ध्यान में रखना है। अब मोड्स ऑफ बायबैक क्या क्या होते हैं, यानी कि बायबैक्स जो होता है वो किस तरह से आप कर सकते हो ये भी आपने ध्यान में रखना है। बायबैक आपको करना है ना तो देखो कुछ कंडीशन आपको याद में रखनी होगी। सेक्शन 69 बोलता है कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्या होता है तो ये CRR क्यों क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि मैंने एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में कि ये जो CRR होता है
ये आपका बैलेंस शीट में बैलेंस बना रहे, इसके लिए आप क्रिएट करते हो। हमने उस एग्जांपल में देखा था कि 100 रुपीज का गैप आ रहा था, यहाँ पर 200 रुपीज कम हो रहा था, यहाँ पर 100, तो इसलिए हमने क्या किया, 100 रुपीज यहाँ पर सीआरआर फंड में डाल दिया, ताकि आपके जो भी शेयर होल्डर है, जो भी आपके क्रेडिटर हैं, उनके इंटरेस्ट को कोई भी यहाँ पर अफेक्ट ना हो। ये इंटेंशन होता है सीआरआर का, ये इंटेंशन होता है कि यार हमने बायबैक भी किया ना, तो भी वो फंड है ना जो हमने आपके लिए सेफ रखा है सीआरआर में डाल दिया है, बस एक एंट्री उसकी काफ़ी होती है, वो आपको करना होता है। अगर आप बायबैक की अकाउंटिंग कर रहे होते हो तो बायबैक की अकाउंटिंग में इन डिटेल में आपको ये समझ में आएगा। तो फ्री रिजर्व बायबैक इज आउट ऑफ, देखो फ्री रिजर्व वेयर बायबैक इज आउट ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड अमाउंट इक्वल टू द पर वैल्यू सिक्योरिटीज ब्रॉट बैक टू बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट विथ प्रोपोर्शनल डिस्क्लोजर इन द बैलेंस शीट। आपको क्या करना है, यहाँ पर जितना भी आपने बायबैक किया है, आप फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम से बायबैक कर सकते हो, उसके साथ साथ आपको जितने भी आपने क्या किया है अमाउंट वहाँ पर बायबैक किया है उसका प्रोपोर्शनल ट्रांसफर करना है, कहाँ पे, सीआरआर पर, तब और उसका उसके साथ साथ अपने डिस्क्लोजर भी देना है बैलेंस शीट में, ये भी ध्यान रखना है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कैन बी यूटिलाइज फॉर इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, जो सीआरआर क्रेडिट कर रहे हो ना आप, ये यूज कर सकते हैं आप किसको, बोनस शेयर्स के इशू को। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम है आपके पास तो उसको कैसे यूज कर सकते हैं, प्रोसीड ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर्स अदर देन अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज आप इशू नहीं कर सकते, बाकी शेयर्स को आप इशू कर सकते हो। नॉट आउट ऑफ प्रोसीड अर्लियर इशू ऑफ सेम काइंड्स ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, आप किसी भी तरह से बायबैक जो अर्लियर अभी आपने शेयर्स इशू किए और उसके बाद इमीडिएटली क्या कर रहे हो आप, बायबैक की सोच रहे हो, तो उससे आप अमाउंट ले नहीं सकते, उससे आप कोई भी अमाउंट जो भी आपके पास आया है वो उससे बायबैक नहीं कर सकते, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट, जो भी आपने बायबैक का प्रपोजल रखा है, आपने बायबैक की ऑफर दी है, वो आप बायबैक की ऑफर विड्रॉल नहीं कर सकते। एक बार तीर निशाने से, तीर आपके बांध से निकल गया, उसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, बायबैक कंपलसरी करना पड़ेगा, आपको वहाँ पर कोई भी चांस नहीं पीछे आने का। उसके बाद कंप्लीशन ऑफ बायबैक बोलते हैं हम इसको, जो भी बायबैक का ऑफर लेटर आपने दिया है और ऑफर दिया है वो विद इन 1 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, जिस दिन से आपका स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है एट द जनरल मीटिंग, उस दिन से आपको क्या करना पड़ेगा, इसका कंप्लीशन करना पड़ेगा बायबैक का और बोर्ड रेजोल्यूशन, ये अगर आप स्पेशल मीटिंग के अकॉर्डिंगली कर रहे हो या बोर्ड रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंगली कर रहे हो, तो उसके साथ साथ आपको दोनों को भी ये कंप्लीशन विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन और बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन, इसके विद इन 1 ईयर में करना। सबसिक्वेंट ऑफ बायबैक, यहाँ पर जो भी है, नो ऑफर शॉल बी मेड विद इन पीरियड ऑफ, जो आप सबसिक्वेंट, मतलब क्या होता है, आप अगर दूसरा बायबैक करना चाहते हो, कोई दूसरी ऑफर देना चाहते हो बायबैक की, तो आप नहीं कर सकते विद इन 1 ईयर, आप यहाँ पर 1 ईयर के बाद ही आपको ऑफर देनी होती है बायबैक की। तो ये प्रोविजन बोलते हैं, नो ऑफर ऑफ बायबैक शॉल बी मेड विद इन अ पीरियड 1 ईयर फ्रॉम रिकॉर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजर ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफर ऑफ द बायबैक, यहाँ पर कोई भी प्रोसीडिंग नहीं कर सकते, अगर आपने 1 ईयर्स कंप्लीट कर दिया उस सिचुएशन में ही आप बायबैक कर सकते हो। इशू ऑफ सेम काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना कि आप यहाँ पर इश्यू ऑफ सेम काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज और अदर सिक्योरिटीज आप कर सकते हो क्या, नहीं, नॉट परमिटेड एज फॉर 6 मंथ, एक्सेप्ट किसी भी तरह से सिक्योरिटीज आप इशू नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट बोनस शेयर्स। उसके साथ साथ जो भी आपने डिस्चार्जिंग सब्सटेंसिंग ऑब्लिगेशन लाइक कन्वर्जन ऑफ वारंट, स्टॉक ऑप्शन स्कीम, इक्विटी शेयर्स और कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर्स ऑफ डिवेंचर इनटू, जो भी आपके कन्वर्जन शेयर्स इशू किए आपने, इक्विटी कन्वर्जन इनटू प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस इनटू इक्विटी, डिवेंचर इनटू इक्विटी, तो ये आपके कन्वर्जन की डेट आ रही है ना इस सिचुएशन में, तो ये आपको अलाउ किया जाता है, यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाता, ये आप कर सकते हो। उसके बाद कुछ फॉर्म है, ये फॉर्म आपको मैंने इसलिए नॉलेज पर्पज के लिए यहाँ पर दिए, जो बायबैक का फॉर्म है, रिटर्न ऑफ बायबैक जाता है आपका SHLN में, लेटर ऑफ ऑफर आप फाइल करते हो क्या, लेटर ऑफ फाइल जो भी बायबैक का है वो ROC और के साथ फाइल करते हो,
SH8 में, उसके साथ साथ आप रिजोल्यूशन ऑफ बायबैक MZT 14 में फाइल करते हो, उसके साथ साथ आप जो भी डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, ये डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी आप कंपनी की पोजीशन है कि नहीं बायबैक की, ये चेक करने के लिए आप SH9 फाइल करते हो, उसके साथ साथ फॉर्म 10 रजिस्टर ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज ब्रॉडबैक में, जो भी रजिस्टर ऑफ शेयर्स है और ब्रॉडबैक शेयर्स है उसका रजिस्टर आपको SH10 में मेंटेन करना होता है। उसके बाद अगर आपने कोई फाइल यानी कि कोई कंप्लायंस नहीं की, सेक्शन 68(11) बोलता है कि आपने नॉन कंप्लायंस ऑफ बायबैक प्रोविजन, तो 1 लाख एक्सटेंड टू 3 लाख आपको क्या कर सकती है कंपनी को, फाइन लग सकता है कंपनी को 1 लाख अप टू 3 लाख। और एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, अगर कोई भी ऑफिसर है कंपनी का वो डिफॉल्ट कर रहा है, तो उसको अप टू 3 ईयर्स और विथ फाइन नॉट अप टू 1 लाख विच एक्सटेंड टू 3 लाख ऑफिसर को भी यहाँ पर सेम फाइन है। सर हमने ये याद रखना है क्या? बिल्कुल ही याद रखना नहीं है, आपको याद रखने वाले प्रोविजन मैंने स्टार्टिंग के 5 स्लाइड में बता दिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम्स एंड आई होप आपको ये सारी कंसेप्ट समझ में आई होगी। मैं जल्दी आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जैसे एनुअल रिटर्न है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये सारे वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा। गाइज आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो। चलो टेक केयर, बाय बाय।